क्या खा रही हो नन्नू? हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल, दैट इज़ इंडियन ब्लॉगर विनी। और ये सुबह का मौसम हो रहा है और हम और नन्नू आपस में बातें कर रहे हैं। सुबह मतलब बहुत ही सुबह है, 5 बजे बज रहा है अभी। मैं उठी थी कुछ काम के लिए, आपको भी बताऊंगी वो काम क्या है। तो हम लोग तो तैयार हो गए थे बिल्कुल। यहाँ नन्नू का जो है वो, मेरे और नन्नू के बीच में जो है वो बातें हो रही है, क्योंकि इसका ब्रेकफास्ट बचा हुआ था। तो हम लोग सब जल्दी जल्दी जो है वो सुबह में उठे और हमने सैंडविच बनाया था, तो वो हम लोगों ने कंप्लीट किया और सोचा कि नन्नू को जो है वो सैंडविच वो तो खा रही है, साथ साथ में मैं सोची कि केला भी खिला दूँ, लेकिन वो खाई नहीं उसे। तो चले कोई बात नहीं, और हम लोग सब तैयार हो गए हैं और हम लोग दिल्ली जा रहे हैं, मतलब नोएडा से दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में मेरी जो है वो मेरी छोटी नंद रहती है, उनके घर हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि उनकी तबीयत रात में काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो हम लोगों को रात में ही फ़ोन आ गया था, लमसम जो है 1 बजे जो है उन पता चल गया था, 1 बजे रात को। तो फिर जल्दी ही हम लोग सुबह जल्दी ही उठे और सुबह सुबह ही हम लोग जो है वो निकल चुके थे, मतलब पहुंचने के, दिल्ली पहुंचने के लिए। इसलिए क्योंकि वो एडमिट थी, हॉस्पिटल में एडमिट थी और घर में बच्चे अकेले थे, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। तो इसलिए हम लोग जितना जल्दी हो सके तो हम लोग अपना काम कंप्लीट करके और फिर निकल गए दिल्ली के लिए, क्योंकि नोएडा से हम लोगों को द्वारका जाना था। तो लमसम जो है आपका मतलब 2 घंटे तो लग ही जाते हैं अगर ट्रैफिक ना मिले। वैसे तो ट्रैफिक की कोई बात नहीं थी, लेकिन फिर भी उतना लमसम आपका 1-1.5 घंटा, मतलब 2 घंटा आप मान लीजिए तो लग ही जाता है। और सुबह का मौसम था और इतना खूबसूरत नज़ारा था, मतलब कि मैं गई हूँ, बहुत बार गई हूँ दिल्ली, लेकिन एकदम शांत माहौल था बिल्कुल। सुबह सुबह जो आप देख ही रहे, खिली खिली एकदम धूप थी और काफ़ी जो है वो ग्रीनरी भी काफ़ी थी। एक तो बात है कि आप जो है वो दिल्ली अगर निकल रहे हैं तो अब जो है वो इतना सफाई हो गया है और कंस्ट्रक्शन जो है ना दिन ब दिन जो है बनता जा रहा है, और तो इसके लिए जो है आप उतना ट्रैफिक नहीं रहता है, लेकिन फिर भी जो है अगर आप जल्दी निकले हो तो अच्छी बात है। ये टोल नाका है, इसके बाद हम लोग जो है वो दिल्ली जो है वो इंटर कर जाएंगे। उसके बाद फिर जो है ये मुझे लग रहा है कि 7-7:30 के बीच का समय है। बीच में हम लोग जो है एक जगह रुक गए थे, इसलिए कि गाड़ी का कुछ था काम वगैरह, इसलिए दिल्ली गाड़ी लेके जाना, मतलब आपको पूरा एकदम उसको अप टू डेट करके जाना होता है। वो कुछ पॉल्यूशन का पेपर बनाना था, तो उसमें हम लोगों को थोड़ा टाइम लग गया, क्योंकि वो रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका चालान कट जाएगा। तो मेरे हस्बैंड जो दिल्ली जाते नहीं हैं, अब नोएडा में इनका काम होता है, तो इसलिए जो है इसे करना भी बहुत ज़रूरी था। और देखिए हम लोगों की हालत, सब जो है वो सो रहा है, निकू पीछे सो रहा है, नन्नू मेरे गोद में थी और मेरी भी आँखें जो है बार बार जो है वो मतलब खुल नहीं रहे थे। अब हम लोग द्वारका पहुंच चुके हैं और हम लोग डायरेक्ट जो है वो हॉस्पिटल ही पहुंचेंगे। ये छोटा सा मैंने क्लिप लिया था कि मैं अपडेट के लिए कि कैसे है, कैसा है, मतलब क्या है, क्या सिचुएशन है। तो ये अभी हम लोग जो है हॉस्पिटल के अंदर ही जा रहे हैं, मतलब बेसमेंट में ही जा रहे हैं। उसके बाद उनको देखने के बाद हम लोग घर निकल जाएंगे, क्योंकि मेरा छोटा बच्चा है ना, तो हॉस्पिटल में तो छोटे बच्चों को स्टे ही नहीं करना, मतलब इंट्री ही नहीं है। फिर भी जो है वो एक एक करके हम लोग दोनों, हस्बैंड और मैंने जो है आईसीयू में जाना भी जो है एक लिमिट टाइम में ही होता है और एक समय में एक ही जा सकता है। तो बस हम देख के और चले आए, कुछ खास बातें नहीं हुआ और नन्नू को तो अंदर ले जाना ही नहीं था। तो इसलिए मैं जो हूँ 2-3 दिन से जो है वो वीडियो पोस्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं जो हूँ बाहर आई हूँ, थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी आ गया था। एक्चुअली मैं अपने घर में नहीं होके, मैं दिल्ली में ही हूँ लेकिन दूसरे जगह हूँ, मतलब मैं अपनी नंद के घर आई हुई हूँ। उनकी तबीयत बहुत ही ख़राब हो गई थी, जिसके कारण मुझे जो है अर्जेंट आना पड़ा है, वो हॉस्पिटलाइज्ड है। तो इसलिए मैं जो है वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, बहुत जल्दी जो है वो आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा, रिप्लाई भी आ जाएगा।
तो यही छोटा सा ब्लॉग था जिस दिन हम लोग नोएडा से दिल्ली आ रहे थे उस दिन का, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ वो शेयर कर दूं, तो इसलिए मैंने जो है ये छोटा सा वीडियो डाला है ताकि आप लोगों को अपडेट मिल सके कि मैं कहाँ हूँ। और परेशानी तो बहुत है लेकिन फिर भी जो है वो मतलब करना था तो है, इसलिए तो बच्चे यहीं पर है, दोनों ही निकू भी है, नन्नू भी है, मेरे हस्बैंड भी यहीं पे है, दिल्ली में ही है, और मेरी जो सिस्टर इन लॉ है उनके दो बच्चे हैं तो उनकी भी देखभाल मैं ही कर रही हूँ, जिसके कारण मुझे बिल्कुल ही समय नहीं मिल पा रहा। तो मैंने सोचा क्या कि मैं 1-to-1 आपसे थोड़ी बातें कर लूँ, बता दूँ कि अपडेट क्या है, तो जल्दी ही फिर वीडियो मैं लेके आऊँगी नए वीडियो के साथ। मैं फिर से आप लोगों के साथ जो है वो मतलब अपने YouTube फैमिली है उसे ज्वाइन करूंगी। आई होप आप लोग आप सब जानते हो मतलब समझते हो जो मैं बोल रही हूँ, तो इसलिए तो फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।